हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको फ्लावर करके दिखाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया था और लिप बना कर दिखाया था। अब आपको फ्लावर करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं इस फ्लावर को करने के लिए मैंने 3 नंबर का ब्रश लिया है और वाइट कलर लिया है और ये पर्पल कलर और ये वायलेट कलर। तो चलिए मैं आप सबको पेंट करके दिखाती हूँ। तीनों कलर को मिक्स करके मुझे ये फ्लावर कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे मुझे ये लगाना है। नीचे से मुझे ये वायलेट कलर लगाकर नीचे से सेट देना है। पेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधे हिस्से पर मुझे ब्लू कलर लगाना है, उसके बाद से आधे हिस्से पर मुझे पर्पल कलर लगाने हैं। ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए मुझे पर्पल कलर लगा लेना है। बिल्कुल आराम से बनाना है, जल्दी जल्दी में ख़राब हो जाता है पेंट, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो हमें इसको मिक्स कर लेना है। वायलेट कलर और पर्पल कलर को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर जो थोड़ा सा जगह छोटा हुआ है मुझे उसमें वाइट कलर भरना है। और मुझे इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मुझे ब्रश के एक कोने पर वाइट कलर लगाना है और इसको ऊपर के हिस्से में लगाते हुए मिक्स कर देना है। व्हाइट कलर को अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए व्हाइट कलर। इसको पर्पल कलर में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब मैं वैसे जैसे मैंने ये वाला पत्ते फ्लावर को बनाया वैसे ही मैं सारे फ्लावर को बना लूँगी। नीचे की तरफ मुझे वायलेट कलर लगाना है और ऊपर की तरफ शेड दे देना है। शेड देने के बाद मुझे फिर पर्पल कलर को लगाकर मिक्स करना है। हमारा कलर इतना नहीं होना चाहिए तो फिर ख़राब लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं ऊपर से व्हाइट कलर लगाकर उसको मिक्स करूँगी। हमारा पेंट इधर नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें ऊपर की तरफ व्हाइट कलर को लगाकर और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप भी कोशिश करिए, आप ही बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है बनाना। मेरा इधर से थोड़ा सा कलर लग गया है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी पेंट सूखने से पहले ही। फिर मेरा ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। मेरा ये हो गया। अब मैं इसको ऊपर से व्हाइट कलर का शेड दूँगी पेंट सूखने से पहले। हल्का सा मैं पेंट लगाऊँगी ब्रश में और इसको ऐसे करके लाइनिंग कर दूँगी। लाइनिंग करने के बाद मेरा पेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैं ऊपर से सेट दूँगी। तो देखिए मैं सेट दे रही हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। सेट देने से अच्छा लगता है, फ्लावर खिला खिला सा लगता है। जैसे मैंने सेट दिया ऐसे ही मैं इसने भी सेट दे दूँगी। अगर आपको मैं ये बताइए तो एक पसंद आएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से बताने को और समझाने को।
सारे फ्लावर सारे बना लूँगी, चलिए मैं बनाकर उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे से वायलेट कलर लगा है और ऊपर से मैं फिर से आधे जगह पर पर्पल लगा लूँगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा छोटे हुए पर्पल लगा कर मिक्स कर दूँगी। मिक्स हो चुका है, अब मैं वाइट कलर लगाऊंगी। वाइट कलर ब्रश के एक कोने पर लगाना है, तो भी थोड़ा सा बाद में इसको मिक्स करेंगे। अब देख पा रहे हो मैंने ऊपर से वाइट कलर लगा मिक्स कर लिया है। अब मैं एक कोने पर थोड़ा सा वाइट कलर लूँगी और मैं इसको फिर नीचे से वाइट कलर लगाऊंगी। देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे। तो फिर मैं अब थोड़ा सा ये बचा हुआ है जिसमें वायलेट कलर थोड़ा सा लगाऊंगी इधर साइड नीचे की तरफ, आपको दिख रहा होगा वायलेट कलर थोड़ा सा लगा लूंगी यहाँ पर इसके बाद में। और बाकी जगह पर मैं थोड़ा सा वाइट जगह छोड़ते हुए मैं पर्पल कलर भर लूँगी और भरकर इसको मिक्स कर लूँगी, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसको दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं एक कोने पर वाइट कलर लगाऊंगी ब्रश के कॉर्नर पर, उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे जहाँ मैंने थोड़ा सा जगह ऊपर की तरफ छोड़ा था। आपको दिख रहा है अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। देखिए तो मैंने मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको ये फ्लावर करके दिखा रही हूँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसमें भरा था ये वाला पार्ट, वैसे मैं पहले इसको भर लूँगा उसके बाद ही ग्रीन से लाइनिंग करूँगी। पहले मैं इसको भर के उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैं नीचे की तरफ में वायलेट कलर भर दी, साइड में लग दिया तो कोई बात नहीं, मैं ग्रीन से इसको सही कर लूँगी जब ग्रीन से मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने नीचे से वायलेट कलर और ऊपर से पर्पल कलर थोड़ा सा जगह छोटे में लगाया है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। मैं जैसे मैंने वो बनाया था वैसे ही मैं इसमें भी मैं वाइट कलर लगा कर मिक्स कर दूंगी, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए जिसमें मुझे कलर फिल करना है। मैंने थोड़ा सा वाइट के लिए जगह छोड़ा था, अगर पेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये देखने में। मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना है, मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं ऊपर का फ्लावर बनाऊंगी जैसे मैंने ये सब बनाए थे वैसे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया है, मैंने ये पहले बना लिया, फिर इसको बना लिया और इसको ऐड कर दिया कि फ्लावर खिलने जैसा लगेगा। फिर मैं ये भरूँगी उसके बाद ये भर के फिर दिखाती हूँ आपको। आप देख रहे हैं मैंने ये बना लिया है। अब मैं इसमें अंदर की तरफ खिला जैसा फ्लावर बनाऊंगी, थोड़ा सा लूँगी पेंट और मैं इसके अंदर लिया और मैं ऊपर से वाइट कलर से सेट दूंगी। मेरा पेंट थोड़ा थोड़ा गीला है अभी, तो मैं सेट दूंगी उसके बाद में इसके बारे में। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना वीडियो फास्ट कर दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मुझे वीडियो को फास्ट करना पड़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देख सकते हैं हमारे पिलो कवर का फाइनल लुक। तो आप बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स,
तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।